जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब सुर्खियों में पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए युद्ध की संभावनाएं गाहे बगाहे सामने आ रही हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में पराक्रम और शौर्य की विजय गाथा लिखने वाली भारतीय सेना कितनी तैयार है, कितने अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, इसी से आमजन को रूबरू कराने के लिए मेरठ कैंट में काली पलटन छावनी में सेना की पाइन डिविजन की ओर से नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर से स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया ताकि युवा पीढ़ी अपनी सेना को जान सके और सेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित हो सके। भले ही यह मेला युवाओं की सेना की तरफ आकर्षित करने के लिए लगाया गया हो, लेकिन युद्ध के नजरिए से नो योर आर्मी में भारतीय सेना की ताकत आर्टिलरी और इन्फेक्ट्री डिवीजन के आधुनिक हथियारों में झलक रही थी। देश की सरहदों पर 24 घंटे तैनात रहने वाले भारतीय सेना के जवान युद्ध के लिए हर वक्त तैयार हैं। आर्टिलरी डिवीजन के गन वेपन में कमांड पोस्ट के साथ में 122 और 30 फील्ड गन, जिसकी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मारक क्षमता 5,500 मीटर 1,960 में रूस से लेकर इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल हुई है। और ऐसे न जाने कितने हथियार हैं जो भारतीय सेना की आज ताकत बने हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम स्कूल के बच्चों को यहां पर आमंत्रित किया गया था ताकि ये बच्चे समझ सके कि इनकी आर्मी क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से हथियारों से लैस होती है, इन्हें समझ हो सके ताकि इंडियन आर्मी अगर ये बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आर्मी किस तरीके से काम करती है, कैसे वो संचालन करती है, कैसे हथियारों का संचालन करती है, कौन कौन से अत्याधुनिक और तकनीकों के साथ में वो कार्य करती है, अगर युद्ध होता है तो युद्ध में कौन कौन से हथियार इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। ये तमाम बातें, तमाम सवाल जो इन बच्चों के जहन में उठते हैं, उसका जवाब देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया था ताकि ये सभी जान सकें कि इनकी आर्मी किस तरीके से कार्य करती है। तो देखिए न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता मोहसिन खान की खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर लगातार बढ़ती हुई टेंशन और उसके बीच में भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, क्योंकि लगातार ये बातें भी चल रही हैं कि कभी भी पीओके पर हमला हो सकता है, लेकिन भारतीय सेना की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से भारतीय सेना हथियारों के मामले में लगातार ताकतवर होती जा रही है, उससे भी नई नस्लों को रूबरू कराने के लिए मेरठ में उसी काली पलटन के मैदान पर यह सेना मेला लगाया गया है जहाँ से 1857 का गदर हुआ था। ये वही पलटन का मैदान है जहां पर कि वो भारतीय लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। कुल मिलाकर यहां पर अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं कमांड पोस्ट की। ये जो तस्वीरें आप न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, ये कमांड पोस्ट कहलाती है, जो किसी भी युद्ध के मैदान में आर्टिलरी जो पूरी एक यूनिट होती है उसके सबसे पीछे रहती है। ये कमांड पोस्ट जो उन सभी जो टैंक है उन सबको यहाँ पर ऑपरेट करती है। यहाँ पर संदीप जी हैं जो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये बताइएगा एक कमांड पोस्ट किस तरह से काम करती है आर्टिलरी के टाइम पर? ये कमांड पोस्ट जितने भी हमारे गन सिस्टम हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक कमांड पोस्ट व्हीकल की जरूरत पड़ती है। इस कमांड पोस्ट व्हीकल के अंदर एक गन पोजिशन ऑफिसर, दो ऑपरेटर और चार टेक्निकल असिस्टेंट रहते हैं। जब हमारा इन्फेंट्री के साथ हमारा फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर मूव करता है, लॉन्ग रेंज गन रहती हैं, वो ऑफिसर इन्फेंट्री को गाइड करता है कि कौन से टारगेट को आर्टिलरी वेपन्स से द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उन टारगेट को लोकेट करता है, उन लोकेट करने के बाद उन टारगेट्स के टेक्निकल डाटा को रेडियो थ्रू या लाइन कम्युनिकेशन के थ्रू वो कमांड पोस्ट में सेंड करेगा। यहाँ ऑपरेटर रिसीव करेगा और गन पोजिशन ऑफिसर उन ऑर्डर्स को टेक्निकल असिस्टेंट के द्वारा प्रिडिक्ट करेगा, डाटा को वॉइस के जरिए। तो यानी युद्ध के मैदान में अगर आप हैं और आर्टिलरी शेलिंग चल रही है तो वो इतना आसान नहीं होता है जितना आसान समझा जाता है। कमांड पोस्ट के जरिए तमाम जितने भी गन वेपन्स हैं उन गन पोजीशन को यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये 122 mm हाउजर T-30 है जिसकी मारक क्षमता यहाँ पर पूरी तरह से दर्शाई गई है। इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 15,300 मीटर की है, यानी कि अगर 15,300 मीटर तक कोई भी दुश्मन है ये उसे पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देगी। 1960 में
इसे 122 एमएम हाउजर D-30 को भारतीय सेना में के बेड़े में शामिल किया गया था और इसे रशिया से लिया गया था। इसका रेट ऑफ फायर की अगर हम बात करते हैं तो 5.321 इस हिसाब से यहां पर चलता है और इसे यहां से पूरी तरह से ऑपरेट किया जाता है और ये इसी तरह से कई युद्ध के मैदान में ये काफ़ी कारगर साबित हुई है। इसी तरह से जो तमाम यहाँ पर आप देखेंगे अत्याधुनिक हथियार यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आगे की तस्वीरों में भी इसी तरह से जो युद्ध के मैदान में जो गन काम आती है उसमें 105/37 लाइट फील्ड गन E2 है। इसकी अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी दूर तक जाती है और इसमें इसका रेट ऑफ फायर भी काफ़ी तेज है। मैक्सिमम रेंज इसकी 17,200 मीटर है, यानी 17,200 मीटर तक बैठे हुए दुश्मन को इस गन से निकला हुआ गोला उसे पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देगा। भारत ने कई युद्ध लड़े हैं, चीन से भी लड़े हैं, पाकिस्तान से भी लड़े हैं और इन्हीं अत्याधुनिक हथियारों की वजह से और भारतीय सैनिकों के पराक्रम की वजह से दुश्मन को नेस्ता नाबूद कर दिया है। किस तरह से भारतीय सेना अपने इतिहास को आगे बढ़ा रही है और इन अत्याधुनिक हथियारों के साथ में कैसे वो खुद को ताकतवर करती जा रही है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर ये आने वाली नई नस्लें भी सीख रही हैं और भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं और इनके अंदर वो जोश, जज्बा और जुनून साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो एक भारतीय युवक के अंदर होता है। सामने आप तस्वीरों में देखेंगे 84 MM RL MK3 है, ये इसे रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है और ये आप देखेंगे कि इसे कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, इससे निकलने वाला गोला जो है वो खास तौर से उन इलाकों में काम करता है जहां पर कि दुश्मन सामने होता है। इसे 2 से 3 लोग कैरी करते हैं और इसके अंदर पीछे से गोला डाला जाता है और उसके बाद उसको फायर किया जाता है। तमाम स्कूल के बच्चे यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो यहां पर जानकारी ले रहे हैं। ये बताइएगा यहां आके कैसा लग रहा है भारतीय सेना को जानना? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हमें बहुत कुछ जानकारी मिल रही है यहाँ पे। और आप बताओ और क्या 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 देखा बेटा आपने यहाँ पर कि जिस तरह से जो अब तक इतने अत्याधुनिक हथियार हैं, वेपन है, उन्हें देख के कैसा लग रहा है? अभी प्रोग्रेस में है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो एक सीखने की ललक है वो भी बच्चों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है और तमाम यहाँ पर आर्मी के जो जवान है वो ये जानकारी दे रहे हैं एक एक वेपन्स की कि किस तरह से इन वेपन्स को ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से जो भारतीय सेना है जब युद्ध के मैदान में होती है तो वो कैसे दुश्मन का सामना करती है और कैसे दुश्मन को नाको तले चने चबा देती है। ये देखेंगे आप तमाम हथियार है। इसके अलावा ये रडार को डिटेक्ट करने का एक इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए जो स्पेस में काम चल रहा होता है। उसके अलावा भारतीय सेना में किस तरह से काम किया जाता है आप ये देखेंगे। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आर्मी के ड्रेस में एक स्टैचू यहाँ पर है। QRT टीम है जिसे क्विक रिएक्शन टीम कहते हैं, यानी कि अगर कहीं भी कोई हालात गलत बनते हैं या इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि जहाँ फोर्स की ज़रूरत होती है तो विद इन ए सेकेंड ये QRT टीम वहाँ पर रेस्पॉन्स करती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो भी स्थिति है उस पर काबू पाती है। तो यानी कि अपनी आर्मी को जानो, आर्मी को समझो और भारतीय सेना कैसे ताकतवर हो रही है उसे भी आप नज़दीक से समझ सकते हैं। फिर चाहे कितनी ही बातें क्यों ना हो जाए या इस तरह की बात चल रही हो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर कभी भी भारतीय सेना मूव कर सकती है तो कहीं भी किसी भी हिंदुस्तानी को ये शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी मामले में कमज़ोर हैं। हम शुरू से ताकतवर थे, ताकतवर हैं और ताकतवर रहेंगे क्योंकि भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम इसी तरह से बुलंद होकर अत्याधुनिक हथियारों के साथ अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए हमेशा तैयार है क्योंकि भारतीय सेना कहती है तैयार हम। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।